देंगे इंडिया न्यूज़। श्रोमणी अकाली दल से बीजेपी में शामिल हुए बलकौर सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। बलकौर सिंह ने कहा है कि राजनीतिक करियर के लिए उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अकाली दल से हरियाणा में उनका चुनाव लड़ने के लिए समझौता नहीं हो पा रहा था। यह भी एक कारण था कि उन्होंने अकाली दल का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। टिकट मिलने के सवाल पर बलकौर सिंह ने कहा कि टिकट मिलने का फैसला पार्टी हाईकमान लेगी। उन्होंने कहा कि अगर अकाली दल हरियाणा में चुनाव लड़ता है तो उनका हरियाणा में मोस्ट वेलकम। और श्रोमणी अकाली दल वालों पूरी तैयारी नहीं सी ऐसी भी इलेक्शन लड़ने वाली समझौता जोड़ा सी नहीं हो रहा तो भारतीय जनता पार्टी वालों ऑफर आया तो वो फैसला लेना मैं जरूरी समझा अपने राजनीतिक करियर वास्ते क्यों ना जे लोगों की सेवा जिस मंच से रह के अपना जिथे बैठे हाँ क्योंकि पिछे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और आने वाली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के मंच के उत्ते लोगों की वधिया सेवा हो सके हल्के की वधिया सेवा हो सके हल्के दे विच जो मैं अपोजिशन रह के थोड़े काम करा सकें कमियां रही ने वो क्यों ना इस मंच से आके पूरियां कीतियां जाण यह फैसला लेके मैं भारतीय जनता देखो ये हर एक पार्टी अपना अपना सोचती है और यह भी सोचती है भी साडा जिहड़ा उम्मीदवार हो जेतू हो अकाली दल जे हरियाणा में इलेक्शन लड़ता है मोस्ट वेलकम हर एक मैं भी इलेक्शन मैनू भी लड़ाया गया पिछले भी लड़ाए गए अगर भी लड़े जाएंगे इलेक्शन लड़ना हो चीज़ है और मेरा फैसला जोड़ा भारतीय जनता पार्टी होया वो मैं अपने बलबूते लिया और अकाली दल